कि चाल बाग की नजर और शाहरुख की रिलीज पे कभी संदेह नहीं करने का। डंकी टीजर, डंकी टीजर, डंकी टीजर, डंकी टीजर। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल फिल्मी चर्चा विद कुणाल। गाइस आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करनी है। ये बैकग्राउंड देख लो और मेरा थंबनेल देख लो, आपको हल्का आइडिया लग गया होगा कि क्या बात करने जा रहे हैं यार। एक साइड जो है यूट्यूबर सोशल मीडिया पे ये अटकलें लग रही हैं और रादर एंटिसिपेशन हो रहा है कि 2 नवंबर यानी जिस दिन है शाहरुख खान का बर्थडे, उस दिन डंकी के टीजर की रिलीज होने की बातें हो रही हैं। ये एक ग्रुप है जो बातें कर रहा है और ये बहुत स्ट्रांग इंडिकेशन है कि 2 नवंबर को डंकी टीजर रिलीज हो सकता है। मोर स्पेसिफिकली बिकॉज आस्क एसआर के सेशन में राजकुमार रानी और शाहरुख खान ने कुछ वो क्यूट सी डिस्कशन करी थी जिसमें ये आइडिया लगा था कि डंकी टीजर आने लगा है। एक कुछ सेक्शन ऐसा भी है जो उम्मीद लगाए बैठा है रादर हीटर्स कि भाई ये नहीं आएगा, ये होगा वो होगा। गाइस देखो मैं एक चीज आपको बोलना चाहता हूँ, देखो जब तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं हो जाता है ऑब्वियसली बात है 100% पे तो हम लोग कुछ कमेंट कर नहीं सकते हैं। बट 2 नवंबर इज द परफेक्ट डेट फॉर डंकी टीजर। और एक्चुअली में मैं एक चीज नोटिस ये कर रहा हूं कि आप तो ये देख रहे हो डंकी टीजर कब आ रहा है, चलो 2 नवंबर को नहीं भी आएगा तो हफ्ते बाद आ जाएगा, 10 दिन बाद आ जाएगा या कोई और एसेट आ जाएगा 2 नवंबर को, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट कर रही है कि शायद टीजर ना निकाल के पोस्टर निकाले। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि 2 नवंबर का दिन परफेक्ट है। गाइस डंकी मूवी का मैंने तो यूट्यूब चैनल देखो खोला है, अभी मेरे को 2 महीने हुए हैं राइट, मगर मैं फॉलो मूवीज को काफी टाइम से कर रहा हूं। पठान, जवान और डंकी, मुझे डंकी की जो आंधी लग रही है ना, इट्स एन एक्सट्रीम आंधी। फैंस के साथ साथ न्यूट्रल ऑडियंस भी, काफी सारे मेरे जो फ्रेंड्स हैं उन वो भी दे आर ऑल्सो अवेयर कि डंकी नाम की मूवी आ रही है। ये चीज मैंने ना पठान में तो चलो एक थोड़ा सा कि शाहरुख खान कम बैक कर रहा है उसको ज्यादा बात हो रही थी, बट बाकी जो इनकी एसेट्स जब तक नहीं आए थे ना तब तक बात नहीं हो रही थी। डंकी का इतना ज्यादा क्रेज, गाइस इतना ज्यादा क्रेज, मतलब ट्विटर पे हर रोज आप लॉग इन हो जाओ, मतलब हर एक दिन छोड़ के कुछ ना कुछ, इनफैक्ट एवरी डे डंकी से रिलेटेड कुछ ना कुछ टॉपिक तो ट्रेंडिंग में होता ही है। मतलब टाइगर 3 का ट्रेलर आ रहा है तो 5वें नंबर पे आप देखो डंकी की बातें हो रही हैं, लियो मूवी रिलीज हो गई तो 6ठे नंबर पे देखो डंकी की बातें हो रही हैं। और ये मैं ऑल इंडिया ट्विटर ट्रेंड की बात कर रहा हूं, ये हाल इंस्टाग्राम पे भी है, ये हाल यूट्यूब पे भी है, हर जगह मतलब डंकी की बातें हो रही है। गाइस मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं और बहुत प्रैक्टिकल चीज आपको बताता हूं, मतलब अगर हम वीडियोस भी डालते हैं ना काफी सारे टॉपिक्स की, मैं अपनी बात करूं इनफैक्ट कितने ही चैनल्स आप ऑब्जर्व कर लेना, जब डंकी की बात होती है ना तो उसके व्यूज मैसिव होते हैं, मैसिव, मेरे अपने चैनल पे भी उसके व्यूज मैसिव होते हैं, मतलब मैनी फोल्ड्स होते हैं। और अगर कोई और मूवी की बात होती है तो होते हैं यार, बाकी चैनल्स को भी देखोगे होते हैं, उतने नहीं होते, मतलब हाँ, मतलब इसमें मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मेरी और वीडियोस भी देखा करो, उड़ा के ऐसे स्वाइप मत किया करो भाई, CTR रेट गिरता है तो वैसे भी रुकता है। चलो एनीवेज तो मजाक हो गया तो देख चलती बात में, बट गाइज मतलब मैं ना ये ऑब्जर्व, मैंने कहा यार क्या है ये बंदा, ये क्या लेके जाएगा, मतलब इतने फैंस, यहां निकाल दो टीजर, ये पोस्टर, एक पोस्टर आता है, एक पोस्टर के ऊपर इतने लाखों इंप्रेशन आते हैं। वो ट्विटर पे बैठ के वो आस्क एसआर के कर रहा होता है, हजारों मतलब ट्वीट्स आएंगे, न्यूज़पेपर्स में छप जाएगी, मतलब नव भारत की जिस दिन एसआर के सेशन हुआ था वो राजकुमार रानी वाला किस्सा वो नव भारत में आ गया। तो सोच रहे हो, और मुझे एक ये चीज समझ आती है, मतलब एग्जैक्टली है क्या यार कि आज से, देखो गाइस झूठ नहीं बोल रहा, मतलब आज से 4 साल पहले आप चले जाओ ना जब 0 फ्लॉप हुई थी शाहरुख खान की, तो मतलब इतनी अटकलें लग रही थी, मैंने लिटरली लोगों को बोलते हुए सुना भाई इसका टाइम खत्म, इसका टाइम, बहुत सारे लोग, वो होता ही है यार, मतलब चढ़ते सूरज को सलाम होता है, उसमें मुझे कोई वो नहीं है। फैंस लगे हुए थे अपनी जगह, नहीं 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 वेट 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 एंड वॉच वीडियो, कुछ कुछ को गुस्सा भी आ गया था, बट काफी सारे लोग बोल रहे थे खत्म खत्म खत्म। अब देख रहे हो यार, मतलब डंकी का इतना हाइप ना, आई थिंक एक रीजन ये भी है कि पठान, देखो ये ग्राफ ना यूं जा रहा है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे भी नहीं, सीधा यूं जा रहा है। पठान, जवान, अब लोगों को एक्सपेक्टेशन ही इतनी कि डंकी तो फाड़ ही देगी, इतना ज्यादा क्रेज, मुझे नहीं पता ये मूवी बॉक्स ऑफिस में क्या करने वाली है। और सलार इसके साथ आ रही है, अच्छा वो एक सलार वाला टॉपिक आ गया, वो और भिड़ंत हो गई, वो और गर्मा गर्मी हो गई इतनी ज्यादा। और मैं एक चीज बता दूं, इसका एक डाउनसाइड मैं आप लोगों को बता देता हूं, डाउनसाइड ये है कि एक्सपेक्टेशंस आर स्काईरॉकेटिंग। देखो जवान के साथ जो एक्सपेक्टेशन थी ना वो बहुत ज्यादा थी, और हुआ क्या, जवान ने फुलफिल कर दी, मगर 100% आप सारी मूवीज के लिए ना ये
पहले तो रिलीज से पहले मतलब शाहरुख खान और राजकुमार खुद भी नहीं बोल सकते, हमारी तो चलो बात ही अलग है। तो इसका एक डाउन साइड ये है कि एक्सपेक्टेशन जब बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाती है ना, तो कहीं ना कहीं यार वो छोटी सी चीज भी आपको कम लगेगी ना, बोलो यार वो रह गया, बाकी सब तो ठीक था, वो रह गया। ये डाउन साइड है इतनी स्काई रॉकेटिंग बस का। अगर क्लिक कर गई पिक्चर तो मैं सोच नहीं पा रहा हूं, मतलब 580 585 के अराउंड जवान करेगी, तो ये मूवी कहां जाएगी? दिसंबर वीक है पूरा, दो हफ्ते इसको मिलेंगे, क्या होगा मुझे नहीं पता। ओवरसीज में इतने फैंस हैं, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि टीजर की इतनी बात हो जाती है, पोस्टर की इतनी बात हो जाती है, धीरे धीरे मैं तो सोच रहा हूं नवंबर दिसंबर, तो ये बंदा पूरा साल ही अपने नाम कर गया यार शाहरुख खान, मतलब हैट्स ऑफ है यार। जिंदगी भगवान अगर जिंदगी किसी को दे ना भाई, तो यार शाहरुख खान जैसी थे भाई साहब, कमाल कर दिया। मतलब कुछ एक रिलीज कर दो, और कुछ एक रिपोर्ट्स ये भी आ रही थी नहीं यार वो ज्यादा ओवर हो रहा है, इसका ओवर हो रहा है, ज्यादा कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा भाई। टाइगर थ्री तक का मैं आपको बताऊं, टाइगर थ्री के हालांकि भाईजान के अपने फैंस हैं, बट उसमें ज्यादा क्रेज हो रहा है पठान ने आना। मैं हर जगह सुन रहा हूं, मतलब न्यूट्रल ऑडियंस से भी बात करो ना, अरे हाँ उसमें तो पठान का कैमियो, ये मानता हूं क्रेज ये था कि टाइगर का कैमियो पठान में था, वो भी क्रेज था, बट यार ये नेक्स्ट लेवल है। और चार फिल्में होगी शाहरुख खान की मोटा मोटा अगर देखोगे तो आप, मतलब बंदे का यार बोलते हैं ना वक्त इंसान भगवान अगर वक्त को साथ हो जाए ना, तो ऐसा कुछ भी छुओ ना मिट्टी भी सोना हो जाती है। कहीं पे है ना अपने नाम पे 5 मिनट भी कहीं पे कैमरे पे आ गए ना, फाड़ के रख देगा बंदा यार, क्या बोलूं। मतलब डंकी टीजर देखो, अब टॉपिक जो स्टार्ट हुआ था मुझे आपसे ये डिस्कशन करनी थी, टीजर 2 नवंबर को आना चाहिए बिकॉज जबरदस्त गर्मी रहेगी उस दिन। 2 नवंबर शाहरुख खान अपना एक पार्टी दे रहे हैं, मतलब एक अपना रिटर्न गिफ्ट दे रहे हैं फैंस को, इतने भीड़ लगेगी, सब कुछ होगा। मैं तो कह रहा हूँ साला मन्नत के बाहर ही एक बोर्ड स्क्रीन लगाओ करता स्टार्ट भाई साहब, बताया गया क्या है यार, ये मजा आ गया। मतलब ये ट्रैक करने में ये टॉपिक बहुत मजा आ रहा है। बहरहाल दोस्तों आप बताओ आपको क्या लगता है, डंकी टीजर 2 नवंबर को आएगा या नहीं आएगा? अभी तक ऑफिशियल रिपोर्ट्स नहीं आई हैं, आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, मैं तो मुझे पता आपका आंसर यस ही होगा, आएगा या नहीं आएगा लेट अस सी। और कितने रिकॉर्ड बनाएगी यार, मुझे लग रहा है पता नहीं, मुझे एक इंट्यूशन सी आ रही है 2000 करोड़ करेगी, पता नहीं, हो सकता है बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ चाइना वाइना सब मिला के, लेट्स सी चलो टेक केयर, बाय बाय और हैप्पी दशहरा यार।